So why do we need to visit unknown places? Why we need to surround ourselves with unknown peoples? So that हम अपनी रोज़मर्रा की चिंताएं, अपने सर्कमस्टांसेस और अपनी लाइफ की वरी से थोड़े समय के लिए बाहर आ सकें और उसे साक्षी रूप से देख सकें। सो दैट वी कैन रीफिल आर सेल्फ विद पॉजिटिविटी, कामनेस एंड पॉजिटिव एनर्जी ऑफ नेचर, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। बस उसी फ्रीडम और शांति के लिए हम भी निकल आते हैं सुंदर अननोन नेचर में। हेयर वी आर, वी रीच्ड इन सांगला डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। सच अ पैराडाइज। वेल, दिस इज द टाइम। अब देखो हम कहाँ पहुँचे हैं। पास में है बासपा नदी। बंदा बता रहा है कि यहाँ की जो बिजली बनती है वो जाती है दिल्ली के रोहिणी वगैरह जो इलाके हैं। और देवदार आप देखो, जंगल आप देखो। ये बासपा नदी है, इसके पास में है भंडारी, भंडारी होम स्टे। सांगला से 5 किलोमीटर आगे किन्नर कैंप्स हैं, वहाँ से नीचे को रास्ता जाता है। किन्नर कैंप्स वाले रास्ते पे ही आके आपको ये मिल जाएगा और बिल्कुल नदी के पास आपको रहने को मिलता है। और हमारे पास आज थोड़ा देर हो गया, सुबह जाएंगे हम नदी क्रॉस करके। लक्कड़ का एक पुल है और आगे जंगल है। जंगल तो बहुत डेंस है, ऑसमली डेंस। कैन यू सी देवदार? 1 2 3 4 5 6, 6 देवदार लगे हैं पीछे, छोटे छोटे। और ये कितने पुराने होंगे। सी दिस वन, आई एम स्मॉल रूट, बहुत छोटा हूँ मैं। सी दिस ह्यूज नेचर। दिस इज आवर रूम। लकड़ी के फट्टे और सीमेंट यूज हुआ है, कंप्लीट लकड़ी। ये सांगला में जो वो मैं बता रहा हूँ, भंडारी होम स्टे करके है, वहाँ के रूम है। नीचे भी लकड़ी। एंड दिस इज रियली अमेजिंग। हमने मिठाई लेके आए हैं काफी। भाई यहाँ देख ले सुनी। मुंडी भाई घुमाए पड़ा है। सो दिस इज वेरी अमेजिंग प्लेस। और हमने जैकेट पहन लिए हैं। July 2nd 3rd कुछ ऐसी डेट है। पड़ गया बर्फ पड़ दो दिन रात को, मौसम खुमानी में एक खुमानी नहीं है, पलम में एक पलम नहीं है, जल गया। ये जो इनके घर से नदी को रास्ता गया, तो ये रास्ता है इनका टू वॉक। गाड़ी पीछे रोकनी पड़ती है। घर यहाँ से नहीं दिख रहा है, बट ये इनका बाग है, अच्छा खासा बाग है। ये तो काफ़ी छोटा बोल रहे हैं। ये एप्पल लगा है और ये एप्पल सबसे लेट पकता है हिमाचल में और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है किन्नौर का एप्पल। दिस इज प्योर लव, मैजिक एंड नेचर। ये नदी आगे जाके सतलुज से मिलती है करछम डैम में। और ये इतना ठंडा और तेज पानी है ना बर्फ का। हाँ,
वी स्टेड एट द सेम प्लेस फॉर 3 डेज बिकॉज वी बिलीव कि अगर आपको पहाड़ों में अच्छी मेमोरीज चाहिए तो आप एक ही जगह पे ज़्यादा दिन के लिए रुको, आप वहाँ की नेचर में घूम सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो और उस जगह के बारे में ज़्यादा जानोगे, ना कि एक चेकलिस्ट की तरह बस प्लेसेस कवर करो। सो दीज 3 डेज वी वर जस्ट वॉकिंग थ्रू आउट द डे, कभी नदी के पास पास से होते हुए, कभी पहाड़ चढ़ रहे, कभी किसी विलेज में जा रहे, वी वर जस्ट वॉकिंग। सो यू कैन एंजॉय द वॉक विद अस। देवदार के छोटे छोटे पेड़ 10 फीट 5 फीट की साइज के, दिस कुड बी अ गुड स्पॉट टू सिट डाउन। हियर यू गो, नेचुरल सीट। यार कुत्ता एक बड़ा ही भौंक रहा है, इनके कुत्ते भी ऐसे खतरनाक होते हैं, डेंजरस। सी 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 खतरनाक लग गई इस टाइम।
मैन, गजब भाई गजब, यो एक नंबर, ब्यूटीफुल। हाँ ओह क्रेजी, दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी, ओह मैन, यू वॉन्ट टू सी 360, हेयर इट इज, ये मैन, आई डोंट नो हाउ कैमरा विल कवर दिस, बट बीइंग हेयर इज समथिंग out of words. ऊपर के पहाड़ हैं, एकदम बादल छुए हुए हैं उसकी चोटियों को, बाकी बर्फ, काला पत्थर और बड़े बड़े पहाड़। This is किन्नौर, सांगला वैली। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी पोस्टिंग अबाउट अ विलेज जो हमारी इस वॉक में हमें मिला, इट वॉज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड वेरी ब्यूटिफुल। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।